लाल किले में आजादी के जश्न को कामयाब और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए इस बार लाल किले की सुरक्षा में मार्क्समैन तैनात किया गया है। हाँ, मार्क्समैन कोई किसी दोस्त का नाम नहीं है, बल्कि गाड़ी है उसका नाम है। इस गाड़ी को खास इसलिए कहा जाता है, इस गाड़ी में कई ऐसी खास नाते हैं, ये गाड़ी मजबूत है ना, पर इसकी ब्रेक काम करता है और ना ही इतनी छोटी होते इस गाड़ी की जो रफ्तार है वो भी इसकी बड़ी खासियत मानी जाती है। कुछ ही सेकंड में बड़ी रफ्तार पकड़ सकते हैं और ये पहली बार लाल किले की सुरक्षा के लिए इस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। गाड़ी में दुर्घटना के छह जो पोस्टमैन है वो आ सकते हैं और फिर इस गाड़ी के अंदर जो देखिए सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक जो टीम मानी जाती है FWOT वो तैनात है। इस टीम के पास खास तरीके के आप देख सकते हैं कि वेपन होते हैं जो बहुत ही एडवांस माने जाते हैं, जिनको बेहद ही खतरनाक माना जाता है। साथ उसी टीम के एक मेंबर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहली बार की गाड़ी यहाँ पर लगाई गई है, इस गाड़ी की क्या क्या खासियत है जो इसको एक खतरनाक वाहन बनाती है? वेपन का ग्रुप टू है, पूरी ग्रुप टू है, आई डी टू आईडी का मतलब क्या है? आईडी मतलब ये इतनी मजबूत है कि मिसाइल का भी हमला झेल सकते हैं। तो कितने लोग इसमें आ सकते हैं, क्या चलते हैं और जो इसमें वो तैनात की जाते हैं वो उनके पास किस तरीके का वेपन होता है? एडवांस वेपन हमारे पास सारे पिस्टल गन है, गन है, क्या खासियत होती है इसकी? फोर्ट कॉर्नर गन वो है कि जैसे कि कॉर्नर को अटैक करने के लिए बनाए। ओके, कितने लोग आ सकते हैं इसमें? क्या इसमें हमारी जो टीम लगती है कि लगती है 6 लोग, ड्राइवर 1 से 9 7 लोग लगते हैं। इसकी स्पीड को भी बेहद ही माना जाता है कि वो भी स्पीड है, वो क्या इसमें कितनी क्या जा सकता है? 15-16 मिनट में, मतलब सेकेंड में 15-16 सेकेंड में 100 छोटा छोटी है कोशिश को जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए, मतलब किसी जगह से किसी जगह जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। बस में ज़्यादा कमांडो को ले जा रहे की बजाय ये जल्दी पहुंच जाएगी छोटे रास्ते से। तो बिल्कुल सिर्फ 15 सेकंड में ये गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार से पराठा भर सकती है और इस गाड़ी की खासियत कई है और इसीलिए इसको पहली बार लाल किले की सुरक्षा में तैनात किया गया है। साथ में ये जो गाड़ी है ये अपने आप में भी एक जवान की तरह काम करती है। सिर्फ एक आदमी इस गाड़ी के जरिए किसी भी चीज पर काउंटर अटैक कर सकता है। कैमरामैन अतुल नेगी के साथ शर्मा, टोटल न्यूज़ के लिए।